नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द बॉन्ड बाय अंजलि गुप्ता पर। और देख रहे हैं आप लोग, मोनी तैयार हो गई हैं, थोड़ी सी हैवी ड्रेस पहनी हुई है। ये 25 अगस्त का वीडियो, सबसे पहले तो ये बताएंगे 25 अगस्त शाम का 7 बजे का वीडियो है करीब। ये तो रेडी हो रही है क्योंकि मोनी का ना जो है तीज का त्यौहार है। तीज, तीजड़ी करके बोलते हैं, इनके ससुराल में मनाया जाता, हम लोग नहीं मनाते हैं। जैसे करवा चौथ होता है लगभग वैसे ही होता है ये, जितना हमें पता अपने अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। और ना अभी चांद निकलेगा, मुनी पूजा करेंगी, व्रत तोड़ेंगी, जैसे करवा चौथ में करते हैं ना वैसे ही। और तो वीडियो आप लोग देखिएगा, सब कुछ आपको वीडियो में मिलने वाला है, काफ़ी प्यारा वीडियो है। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, जितना हो सके शेयर करिएगा, सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। थोड़ा सा मैसेज दिख रहा होगा आपको मेरा, अगर आजकल दिख रहा है वीडियो में, क्योंकि है मैसी उतना हम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए इतना ज़्यादा सब लोग आपस में हम लोग रहते हैं ना मिलजुल के, तो नहीं हो पाता, टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है ना, इसी वजह से। तो तैयारियां भी हमने की ना, वो बहुत अच्छी नहीं कर पाए हम, क्योंकि मोनी ससुराल के वीडियो हमने देखे हुए हैं, सारे लोग मिलके ना उनकी फैमिली बहुत अच्छे से फेस्टिवल मनाते हैं। यहाँ भी हुआ बट ना उतना अच्छा हम तैयारी कर नहीं पाए, क्योंकि अकेली थी ना, इस वजह से वो हो गया ना। बहुत सारे लोग होते हैं तो अलग ही बात होती है। तो वीडियो को देखते रहिएगा और जितना हो सके वीडियो को लाइक भी करिएगा। श्याम जो नवा नवा वस्त्र पाए, कहीं सुशील ब्राह्मण जी घर जी कथा बुधवाए। और यहाँ पे पूजा शुरू हो गई, कथा हो रही है एक्चुअली, और जो है मोबाइल से लगा के हम लोग कथा सुन रहे हैं, जो यूट्यूब से ना। मोनी को नहीं आती थी और जो है हमें भी नहीं आती थी, हमने कभी सुनी ही नहीं है। और मोनी ने अपनी सासू माँ से पूछा, अपनी नंद जी से पूछा, और देखे पीछे ना फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिख रहे होंगे समर्थ जी टहल रहे हैं, तो बच्चे भी आए गए थे बीच बीच में। इसके बाद ना ऊपर पूजा करेंगे, पहले नीचे पूजा हुई थी फिर ऊपर। और देखिए बच्चे ना आजकल हमारे यहाँ बहुत शोर करते हैं, आपको देख रहा होगा, दीपा का बैठना दुश्वार कर दिया बच्चों ने, बस ऐसे ही चल रहा है आजकल। आजकल मेरे यहाँ ना कुछ भी हो रहा है, मगर अच्छा बहुत लगता है, माहौल बहुत अच्छा होता है। इसके बाद आप लोग ऊपर का वीडियो देखिएगा। अब से हम और नामी इधर ही रहेंगे। मोदी के तो प्रोजेक्ट अच्छे होते और यहाँ पे देखिए करीब 8 बज रहा है और चांद निकलने का ना नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ना शायद निकले भी होंगे बट ना इतनी ज़्यादा बदली थी, इतना ज़्यादा मौसम उस दिन ख़राब था कि मोनी को ना बहुत टाइम लग गया उसको, उनको ना थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही थी, होता है कभी कभी ना। और उस दिन ना वो मार्केट भी गई थी, थोड़ी सी शॉपिंग भी हम लोगों को करनी थी, सब साथ ही में गए थे। वहाँ से आने के बाद सारी तैयारियाँ की थी, आपको दिख रहा होगा एक भी तारा नहीं निकला हुआ है। और देखिए ऊपर का व्यू दिखा रहे हैं, ये नवमी ना, नवमी और प्रीति छत पर चढ़ी हुई है, देखिए ऊपर से नीचे का दिखा रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो ऊपर जहाँ टंकी रखी हुई है ना पानी की, वहाँ से सब कुछ दिखता है, बहुत ऊँचा है, काफ़ी हाइट पर। और देखिए ये चोटी हमने की थी मोनी की, मोनी अपने ससुराल में पूछ रही है फ़ोन करके कि चांद निकला है कि नहीं निकला। इतनी ज़्यादा बदली थी कि करीब 9:15 बजे इन्होंने पूजा की है। जाना जाओ, आओ तो नहीं जाओ, हम पकड़े हैं। अच्छा जी, अब कुछ खा भी सकते हो? अभी नहीं, मैं पकड़ लूँगी। हाँ मुनी देखो इसमें दिख भी रहा है ना। हाँ इतने ही दिखेंगे, ज़्यादा नहीं, बादल बहुत ज़्यादा है ना इस ऊपर। चंद्रा गोरु आयु थे खुमरा वेश धरे, गणपति की आरती भी कर लेना इसी में। चंद्रा गोरियों आयु थे खुमरा वेश धरे, उबर उबर चंद्रा गोरियों आयु थे खुमरा वेश धरे, उबर। भगवान जी मेरा
नहीं तो अंदर वाले में ख्याल रखो। तुम्हारा इम्तिहान था बेटा। आप अपने पति से कितना प्यार करती हैं? पति से कम नहीं, अपनी जान से ज्यादा है। और यहाँ पे करीब ना 10 बज रहा है रात का, 9:30 बजे तो पूजा ही ख़त्म हुई। उसके बाद थोड़ी बहुत देर ना मुन्नी को पानी वानी हमने पिलाया, मीठा खिलाया, नीचे आए हैं। और देखिए उन्हीं की डिमांड पे ना, डिमांड नहीं, हमने उनसे पूछा था ना कि पूरे दिन तुमने कुछ खाया नहीं है तो क्या खाओगे, तो खीर कचौड़ी उन्होंने बोला। और खीर कचौड़ी का कॉम्बिनेशन ना बहुत अच्छा लगता है, कभी आप लोग खा के देखिएगा। तो देखिए आपको ये दिख रहा है जो अभी डाली है, ये ना इलायची और चीनी पिसी हुई डाली है। और हमने ना जल्दी की वजह से खीर को ना कुकर में बनाया हुआ है, और रेसिपी भी नहीं सूट कर पाई क्योंकि इतनी ज़्यादा जल्दी थी ना, इस वजह से। देखिए एक्स्ट्रा चीनी भी डाल रहे हैं ऊपर से, यानी कि इलायची पीस कर डालते हैं ना थोड़ी सी चीनी के साथ, वो पिस जाती है। कुकर में खीर आप लोग बनाइएगा, घी के साथ में छोंक दीजिएगा। और देखिए मावा डाल रहे हैं, खोया जो होता है वो डाल रहे हैं। तो बहुत अच्छी खीर बनी थी, बट ये ना कि रेसिपी सूट नहीं कर पा रहा। हमें लगा बाद में कि इतनी अच्छी इतनी यम्मी खीर बनी थी, रेसिपी पूरी होती तो मज़ा आ जाती आप लोगों के लिए। कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई करिए। कुकर में ना घी, चावल और दूध डाल के बिल्कुल सिम पे चढ़ा दीजिए, अच्छे से पकाइए और बाद में भी पका लीजिए खोलने के बाद। और जो डालना ऊपर से डाल के वह खीर बना लीजिए। ये कचौड़ी है, और खीर कचौड़ी जिसने नहीं खाया हो वो खा के देखिएगा एक बार, और खाने के बाद ना कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका कॉम्बिनेशन ना साथ में कैसा लगता है। तो बस मोनी के प्लेट लगाने जा रहे हैं, बाकी लोग खा चुके हैं, एक दो लोग रह गए हैं वो हम लोग के साथ खाएंगे, यानी कि हम जो फीमेल्स हैं ना वो सारी साथ ही में खाने वाली हैं। मेल लोगों को हमने खिला दिया है। और देखिए खीर कचौड़ी प्रीति लेके जा रही हैं, हम ही लोगों की तैयारी हो रही है। हाँ ये भी साथ में खाएंगे। उसके बाद देखिए सारी सफाई हो रही है। कभी कभी हम इनके साथ खा लेते हैं और कभी कभी इनसे पहले भी खा लेते हैं। मेरे ऐसा कुछ नहीं है कि पहले लोगों को आदमियों को खाना है या किसी, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे यहाँ, बिल्कुल नहीं है। और एक बात बताएं आप लोगों को, ज़्यादातर ना हम ही पहले खाते हैं क्योंकि ना ये बहुत लेट खाते हैं और थोड़ा सा हम हेल्थ कॉन्शियस हैं थोड़ा बहुत, तो लगता है ना कि पहले खा ले खाना पच जाए जल्दी से, ये थोड़ा सा लेट कर लेते हैं, ऐसा हो जाता है कभी कभी ना, इस वजह से हम जो जल्दी खा लेते हैं इनसे पहले। ये देखिए बिल्ली आ रही है, बच्चा सोने की तैयारी हो रही है, सोने की तैयारी रात हो रही है। और हम मेकअप में दिख रहे हैं आपको, एक्चुअली हम मार्केट गए थे शॉपिंग करने थोड़ी सी। आजकल हम लोगों की शॉपिंग चल रही है, तीन तीन चार चार लोग हैं तो जिसको कुछ भी लेना होता है ना चारों साथ में जाते हैं। और ये देखिए कुछ पढ़ रही है अपना, आजकल हम बहुत थके हुए चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेरी नींद भी नहीं पूरी हो रही, थके हुए भी चल रहे हैं। प्रीति नहीं सोने देती हमको। अच्छा मैं बोलती हूँ आपको? हाँ प्रीति कहती मौसी जगो सो नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, सब लोग हैं ना साथ में इस वजह से। ये देखिए चिंगी पास और ये देखिए नेक्स्ट डे की क्लिप है। और दिन थर्सडे था उस दिन, तो शाही भाजी बन रही है यहाँ पे, न्यू रेसिपी है एकदम, हम लोग भी पहली बार खाने वाले हैं। और मोनी बना रही है, मोनी की रेसिपी है ये, तो आप लोग ट्राई करिएगा। देखिए कुकर लिया हुआ है, ऑयल डाला है, बहुत सारा लहसुन डाला है, जीरा डाला है, हरी मिर्च डाली हुई है, हींग डाली हुई है, तो बहुत अच्छी रेसिपी है। हम लोग खा चुके हैं, उसके बाद रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आप ट्राई करिएगा। सारी चीज़ें जब फ्राई हो गई, भुन गई हैं, हल्दी डाली है और जो है मिर्च डाली हुई है। तो मिर्च ये कश्मीरी वाली, इसे थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर रही है, यानी कि एक चम्मच ऐड करिए मिर्च और हल्दी करिए आधी चम्मच। इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेना है। उसके बाद ना देखिए टमाटर डाल लेंगे, तो प्याज नहीं पड़ती इसमें, सिर्फ लहसुन पड़ा हुआ है, प्याज नहीं डाली हुई है। तो अच्छे से इसको भून लिया है, यानी कि टमाटरों को आपको अच्छे से भून लेना। उसके बाद देखिए अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला हुआ है, ये भी भूनना है आपको। और पेस्ट अगर ना हो तो आप लोग चॉप करके एकदम महीन महीन जो है अदरक डाल सकते हैं। हमारे यहाँ अदरक था नहीं तो पेस्ट यूज किया हुआ है। बहुत अच्छे से आपको इन सबको भून लेना है। और जो कलर देखिए कितना अच्छा आ रहा है, कश्मीरी मिर्च की वजह से आ रहा है। और जो है नमक ऐड करना है। और चने की दाल है वो करीब होगी 250 ग्राम से ऊपर ही होगी, उसको फुला के रखा हुआ है हम लोगों ने करीब 3-4 घंटे के लिए। देखिए चने की दाल, इसको अच्छे से फुला लेना है। और पालक को आपको महीन महीन काट लेना है। तो चने की दाल ज़्यादा रहती है और पालक कम रहती है। चने की दाल करीब 250 ग्राम से ऊपर ही है और जो पालक है वो सिर्फ 250 ग्राम, ऐसे समझिए ना क्वान्टिटी कितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि दाल ना बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और 250 ग्राम दाल अच्छी खासी होती है। और 250 ग्राम पालक तो कुछ भी नहीं होती देखिए। और पालक के साथ आप लोग ना जो मेथी होती है
सोया मेथी के साथ में जो मेथी आती है, सिर्फ मेथी मेथी वो भी ऐड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी लगती है। हम लोगों ने वो भी ऐड की थी, अभी यहाँ पर नहीं डाल रहा, अभी हम ना उसको काट रहे हैं, क्योंकि मेरे यहाँ ना ऐसे ही खाना बनता है आजकल, जिसकी जो समझ में आता है वो अपने अपने काम करता है, सब लोग मिलजुल के बनाते हैं। तो मोनी ने कहा हम रेसिपी आपकी ये तैयार करके दे रहे हैं, बहुत अच्छी लगती है। और एक्चुअली ना मेरे छोटे जो नंदोई जी हैं ना, उन्होंने साई भाजी खाई हुई थी, तो उन्होंने बोला था मोनी से कि दीदी आप खिलाइए, आपके यहाँ बनती होगी। और सिंधी रेसिपी है शायद ये देखिए यहाँ पे सोया डाला हुआ है, सोया मेथी जो होती है, हाँ सॉरी मेथी नहीं, सोया सोया पड़ता है, हम उल्टा बोल रहे हैं, तो सोया डाला हुआ है। और हमने भी सीख ली है, हम भी बनाया करेंगे, क्योंकि हमारे ना काफ़ी पसंद ये करी गई है। तो काफ़ी सारा पानी ऐड करेंगे, इसको काफ़ी अच्छे से पकाना है आपको, ऐसे ना सिम पे आपको मीडियम फ्लेम पे या सिम पे 5-6 सीटियाँ लगा लेनी है। वैसे जल्दी भी पक जाएगी, 4-5 सीटी में पक जाएगी, क्योंकि दाल ना फूली हुई है, बस इसको ढक्कन लगा दीजिए, ढक्कन लगा के ना मीडियम फ्लेम पर आप लोग पकाइए, 4-5 सीटियाँ लगा लीजिए, उसके बाद दिखाएंगे आपको क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे सोया मेथी की सब्ज़ी भी बन गई है, सोया मेथी आलू की ना, और ये पैकेट वाली है जो कस्तूरी मेथी होती है वो है, सूखी नहीं थी हमारे यहाँ, यानी कि सब्जी जो होती है फ्रेश वाली वो नहीं थी। कुछ भी बोल रहे हैं, देख आप लोग सुन रहे होंगे वॉइस रिकॉर्डिंग में, कुछ भी बोल रहे हैं क्योंकि ध्यान मेरा कहीं और रहता है, बच्चे बहुत डिस्टर्ब करते हैं ना इसी वजह से। और देखिए कितनी अच्छी कलर वगैरह आया हुआ साई भाजी में, और इसको ना आपको थोड़ा सा मैश कर लेना है। पहले हमें लगा ना इसको ऐसे ही रखना है, तो हमने चेक करके ना इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, फिर मोनी ने देखा ना, मोनी बोली भाभी इसको ऐसे आप ऐसे करिए ना, मैश कर लेना होता, मथानी हो या मैसर हो किसी से भी आप ना मैश कर लीजिए। अच्छे से मैश करने के बाद इसमें नींबू वगैरह डालिए, ऊपर से आपको फ्राई करना तो ऊपर से फ्राई करिए, धनिया पत्ती डालिए, घी बहुत अच्छा लगता है इसके साथ ना, हम लोगों ने घी के साथ दाल चावल ये खाया हुआ था। हमने इसको दाल बोला तो मोनी बोली एक्चुअली ना इसको शाही भाजी बोलते हैं, ये भाजी हमें लगा शाही दाल है ये, हमने कहा ये शाही दाल है, बोली नहीं भाभी शाही भाजी। और काफ़ी अच्छी रेसिपी थी, सिंपल से फटाफट से बन गई थी, ऐसा कुछ उसमें तीन झाम वाला हमें लगा नहीं, बट ये इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा, तो आप लोग ट्राई करिएगा। और बस वीडियो का अभी एंड होने वाला है, तो वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा, इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, और मोनी की ना लास्ट रेसिपी, इसके बाद मोनी आपको मेरे वीडियो में एक या दो बार दिखने वाली हैं, क्योंकि वो ससुराल जा चुकी हैं इस वजह से। तो वीडियो का एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, ध्यान रखिए अपना, और रेसिपी ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी थी।